बी सी। ए ने बोलना क्या है, ए ने स्टार्ट किया, 40,000 रुपये लगाए, और 40,000 रुपये लगाने के 4 महीने बाद बी ने 50,000 रुपये लगाए, यानी बी के जो है कितने हैं। अब इसमें टाइम दिया है, या तो एंड तक जाके टाइम देख लो लास्ट तक, अभी हमें ये नहीं पता है, तो हम इसको क्या करेंगे, गुणा में -4 छोड़ देंगे लिख के, एंड में बोल रहा ना। तो अगली स्टेटमेंट बोलो, सी ने 60,000 रुपये लगाए इसके 6 महीने बाद, -6 इसके, और जब वो सी ने पैसे लगाए हैं उसी टाइम ए ने छोड़ दिया। आगे एट द एंड ऑफ 1 ईयर, साल के अंत में, यानी 1 साल के दिया हुआ है। तो अब ये बताइए, ए जो है वो पूरा 1 साल तो काम नहीं कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 1 साल में से बी के कितने हो जाएंगे, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 8 से गुणा हो जाएगा, और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि सी आखिरी के 2 महीने में आया है, और सी आखिरी के 2 महीने में आया है और उसी टाइम ए छोड़ जाता है, तो ए ने कितने दिन बिजनेस में रहा, ए जो है 10 महीने बिजनेस में रहा, साल 12 में से ये वाले 2 माइनस कर देंगे तो ये 10 महीने बिजनेस में रहा, तो इनकी आप गुणा करेंगे, और गुणा करने के लिए जो है यहीं पे गुणा को हम अंजाम दे देते हैं, 4 0 4 0 4 0, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 5 10, और बस क्यों, 2 2 4, 2 2 4, 2 3 6, और बस 5 और 2 10, 2 और 5, 2 गुणा 5 10, और 3 गुणा 1 3। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बन गया, 10 10 3, 10 A का, 10 B का, और 3 हिस्से सी के। ठीक है, क्लियर।